कि आज का जो बैठक बुलाया गया था, जिसमें हमारे अध्यक्षता आली जनाब मोहतरम मुंबई से आए हुए हाजी दिल मोहम्मद साहब किए, और जो मीटिंग में बातें छनकर आई कि इमाम जो हमारे बीच में खिदमत करते हैं उनको न्यूनतम एक सम्मानजनक राशि जो सरकार ने भी तय किया है 12,570 रुपया वो मिलना चाहिए। और दूसरी जो मुद्दा है कि एक हमारे संरक्षण के लिए, ओलामा का संरक्षण के लिए ऑल झारखंड ओलामा काउंसिल का एक गठन हो, जिसमें हमारा लीगल एडवाइज़र रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के वकील आली जनाब मोहतरम और ताज फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी सलामुल अंसारी साहब, उनकी अध्यक्षता में ये ऑल झारखंड ओलामा काउंसिल का गठन होगा। दूसरा मुद्दा है हमारा आपसी समन्वय स्थापित करने के लिए सदर सेक्रेटरी खजांची और गांव के जो मानिंद लोग हैं और इमाम हैं उनके बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग होते रहता है, उन लोग को खाई को पाटने के लिए हम लोग अगला बैठक का घोषणा करेंगे, जिसमें गांव के सदर सेक्रेटरी और मानिंद लोग के साथ इमाम और मौजिम साहब भी रहेंगे। ये दूसरा हम लोग का मुद्दा रहा। तीसरा मुद्दा हमारा है कि आप देखते होंगे केरल सरकार में, बंगाल की सरकार, बिहार की सरकार और तो और छोड़ दीजिए यूपी की सरकार, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन वहाँ पर भी हमारे इमामों को सम्मानजनक मानदेय देने का काम करता है, मौजिन साहब को भी सम्मानजनक उन लोग राशि देने का काम करते हैं प्रासार्मिक तौर पर। तो निश्चित रूप से हम लोग आने वाला दिन में हमारा, चूँकि राज्य में दो दो हमारे अल्पसंख्यक मंत्री हैं, एक हफीजुल हसन साहब हैं, दूसरा इरफान साहब हैं, तो हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि जल्द ही ये दोनों मंत्री के माध्यम से हम लोग मुख्यमंत्री के बीच में ये प्रस्ताव रखेंगे कि जिस तरह से केरल की सरकार, भारतीय जनता पार्टी, यूपी की सरकार और बिहार की सरकार और बंगाल की सरकार हमारे इमामों को तनख्वाह देती है, हमारे मौजिन को तनख्वाह देती है, निश्चित रूप से हम लोग भी मांग करेंगे और एक शिष्टमंडल का गठन करके हम लोग जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी मांगों से अवगत कराने का काम करेंगे। आज का प्रोग्राम इलाके के ओलमा जो मस्जिद में नमाज़ पढ़ाने का काम करते हैं उनके लिए, उनके तरफ से एक पैगाम देना था हमको आवाम में कि उनके जो ज़रूरतें ज़िंदगी है वो सही से पूरा नहीं हो रहा है, तो आवाम को एक पैगाम देना था, उसके बारे में विशेष ध्यान दें, और उसी का एक प्रोग्राम था जिस प्रोग्राम में हम लोग अब तक हैं। और हमारा इस प्रोग्राम से ये मैसेज गया है आवाम में कि हम ओलमाओं को विशेष करके उसका सही ध्यान आगे से रखेंगे। उम्रा के लिए भी कुछ? जी हाँ, अब उस प्रोग्राम में एक पैगाम ये भी था कि हमने लॉटरी सिस्टम रखा कि ओलमा एक नाम जिसका निकलेगा उसको हम उम्रा के लिए भेजेंगे, जिसमें एक शख्स का नाम निकला है, 28 तारीख को हम लोग उम्रा पे भेजने की उसके लिए तैयारी किया, 28 अक्टूबर। आज 22 तारीख को इसरी बाज़ार में झारखंड के दो विधानसभा डुमरी और बगोदर, वहाँ के इमामों को बुलाया गया था, उनकी क्या परेशानियाँ हैं, उन क्या परेशानी फेस कर रहे हैं उनको समझने के लिए हाजी दिल मोहम्मद साहब के गार्जियनशिप में, अध्यक्षता में, सदारत में आज एक बैठक की गई। बैठक में दोनों तरफ से बात रखी गई और दोनों तरफ से बात रखने की बात ये बात छन के आई कि इमामों का कोई अपना ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो बातों को रख सके, तो इसके लिए ये तय पाया है कि हाजी दिल मोहम्मद साहब की सदारत में एक सोसाइटी रजिस्टर्ड कराएंगे, ऑल झारखंड इमाम काउंसिल, जो अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट हम लोग बहुत जल्द रजिस्टर्ड कराएंगे, उसमें जितने भी इमाम हैं जो मस्जिदों में पढ़ाते हैं वो उनके मेंबर होंगे, और जो उनके मेंबर होंगे उनकी जो जायज़ ज़रूरत है, जो उनकी समस्याएँ हैं, उनको ये कमेटी देखेगी, मॉनिटरिंग करेगी और उस पर काम करेगी। उसके बाद अगला मीटिंग जो इमाम मस्जिदों में पढ़ा रहे हैं उनके सदर सेक्रेटरी और इमाम दोनों के बीच ये ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी, बैठ के समन्वय बनाएगी, उसके बाद एक रास्ता निकालेगी कि आगे का काम हम कैसे करें।